दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज की टॉपिक है पावर बीआई से, कि पावर बीआई में हम सेपरेट कॉलम कैसे, स्प्लिट कॉलम, मतलब कि आपका जो एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम होता था वो टेक्स्ट टू कॉलम के साथ हम आपको कंपेयर कर रहे हैं स्प्लिट कॉलम को। अब चलिए बात करते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम क्या था, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है। जैसे हमने नाम लिखा, अब मुझे इस नाम को अलग करना है। एक्सेल में हमें डेटा मेनू बार के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम हुआ करता है। इसमें दो था, डिलिमिटेड और फिक्स। फिक्स मतलब कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि भाई इतने करेक्टर बाद या इतने बाद जो है अलग हो जाए। डिलिमिटेड में क्या था कि आप देते थे कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर, जैसे कि स्पेस के बिहाफ पे मेरे कॉलम्स अलग अलग हो जाए। एक वो टेक्स्ट टू कॉलम था एक्सेल के अंदर में। अब हम बात करते हैं पावर बीआई में टेक्स्ट टू कॉलम जो है स्प्लिट कॉलम बन गया और कैसे होता है। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इस साल मतलब कि जनवरी से पहले 2 महीने बचे हुए, एक महीना के आसपास बचा हुआ है, मैं अपने YouTube चैनल पे 5000 वीडियोज अपलोड करने का मैंने लक्ष्य रखा है। तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो मेरे 5000 से ऊपर आपको टॉपिक्स की अपडेट मिलेंगे, 5000 नए टॉपिक सीखने को मिलेगा आपको सर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपके होम पेज पे खोलते ही मेरी वीडियो आ जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसमें अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं गेट डेटा के थ्रू एक्सेल, और यहां पे हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड ओपन। एक मिनट, मेरा वर्जन लग रहा है गड़बड़ाया हुआ है डेटा फाइल का। लोड यार, मैं यहाँ डेटा में जाता हूं। तो डेटा में आप देख रहे हैं यहां पे टीम है, टीम एबीसीडी। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ए, यहां मुझे कॉलम में एबीसीडी अलग से आए। देखिए यहाँ पे टीम ए बी सी डी है, तो हम यहाँ पे अलग से जन चाहते हैं, तो इसके लिए राइट क्लिक करना है आपको, या तो और भी ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा एडिट क्यूरीज। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका डेटा जो है डेटा का ही एक व्यू दिखा रहा है। तो इसमें आप जो है न्यू कलम ऐड करके फॉर्मूले के जरिए मीड राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज्यादा एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट क्यूरी पे जाएंगे, और एडिट क्यूरी पे करने के बाद आपको पावर क्यूरी एडिटर खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा स्प्लिट कॉलम। अब स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सेल में बताया उसी तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे बाय डिलिमिटर में जाता हूँ और यहाँ हम स्पेस देते हैं एंड ओके। स्पेस की भी आप देखिए आपका एबीसीडी यहाँ अलग हो गया। यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास टीम मेंबर हमारा जो
टीम वन एंड टीम टू दिख रहा है, तो टीम टू में जो एबीसीडी है आपका यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप इसको डिलिमिटर का यूज करके आप स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि आप जब इस पे जब मैं ये लगाऊं तो मुझे टीम वन ए बी नहीं, मुझे ए बी सी डी के थ्रू चाहिए था, तो मैं टीम टू को यहाँ रखूंगा और फिर इसके जो सेल्स है उस सेल्स को मैं रखूंगा, तो ए बी सी डी की भी आप पे मुझे सेल्स आ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले था टीम ए बी सी दिखता था। इस तरह से आप स्प्लिट करके अपना विजुलाइजेशन या अपना जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स ले सकते हैं पावर बी आई के अंदर में। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें और पावर बी आई टैबलू और हम कुछ दिनों में पैथन भी स्टार्ट करने वाले हैं, इससे रिलेटेड वीडियोज हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, आप अगर मेरे साथ एडवांस एक्सेल वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग के साथ कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन सिक्वल टैबलू पावर बी आई सीखना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस देते हैं ibtindia.com पे जाके, वो आप ले सकते हैं, या फिर एडवांस एक्सेल वीवीएमआई को या एमआईएस की पेन ड्राइव वीडियो पेन ड्राइव भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाएं डिटेल्स को देखने के लिए, या फिर मुझे कॉल करें स्काइप करें, जो भी नियम आपके सुटेबल हो आप मुझे कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।